दोस्तों गुड्डी मारुति 80 के दशक की बेहद चर्चित कॉमेडियन एक्ट्रेस रही हैं और मशहूर कॉमेडियन एक्ट्रेस गुड्डी मारुति को भला भूल भी कौन सकता है। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में अपनी कॉमेडी का तड़का लगाकर लाखों दर्शकों को हंसाया है। उन्होंने अपने कॉमेडी युक्त किरदार से कितने ही कॉमेडियन एक्टर और एक्ट्रेस को मात दी है। गुड्डी कॉमेडी रोल के लिए निर्माताओं की पहली पसंद हुआ करती थी। इनका किसी फिल्म में होना ही ये साबित करता था कि फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगा है। एक से बढ़कर एक बड़े कॉमेडियन के बीच रहकर भी उस समय उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज भी उनका नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर खुशी झलक जाती है। बता दें कि हिंदी सिनेमा में गुड्डी के चहेते प्यार से उन्हें टुनटुन कहकर भी बुलाते हैं और आज भी लोग उनके टैलेंट को सराहा करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे इस वीडियो के जरिए मशहूर कॉमेडियन गुड्डी मारुति के पारिवारिक जीवन पर एक प्रकाश डालने जा रहे हैं। हम यहां आपको गुड्डी के शुरुआती जीवन, करियर और उनके परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू करवाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और जानें गुड्डी के पारिवारिक जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1961 को मुंबई में हुआ। गुड्डी का असली नाम ताहिरा परब है। उनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा है जिसके चलते इन्होंने बचपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन में इनके मोटापे को लेकर लोग इनका मजाक भी उड़ाया करते थे लेकिन इनके पिता ने इन्हें समझाया और खुद को एक्सेप्ट करने का हौसला दिया। वहीं बात करें गुड्डी के करियर की तो इनका फिल्मी करियर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही शुरू हो गया था। दरअसल गुड्डी के पिता फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता थे। गुड्डी बचपन में अपने पिता के साथ अक्सर फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करती थी। एक दिन गुड्डी अपने पिता के साथ जान हाजिर है फिल्म की शूटिंग देखने गई। तब इस फिल्म के डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में थे और गुड्डी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। जब डायरेक्टर ने गुड्डी को देखा तो गुड्डी के पिता से बात की और कहा कि मेरी इस फिल्म में आपकी बेटी ही चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करेगी। और इस तरह से गुड्डी के करियर की बेहतरीन शुरुआत हुई। इसके बाद जब गुड्डी 17 वर्ष की हुई तो मनमोहन देसाई की सुपरहिट फिल्म नसीब के पकड़ो पकड़ो सॉन्ग में दिखाई दी। उस वक्त लोग गुड्डी को मारुति जी की बेटी के नाम से पहचानते थे। तब मनमोहन देसाई ने गुड्डी का नाम बदलना चाहा और उन्होंने गुड्डी का नाम गुड्डी मारुति रख दिया और इस फिल्म के बाद वो गुड्डी मारुति के नाम से मशहूर हो गई। सुनने में आया था कि एक समय वो भी अपना वजन कम करने की इच्छुक थी। उस बीच इनके पिता मारुति राव परब ने उन्हें समझाया और कहा कि तुम फिल्म में हीरोइन नहीं कॉमेडियन बनती हो और लोग किसी भी कॉमेडियन को ऐसे ही देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना वजन कम ना करो। तुम जैसी हो लोग तुम्हें वैसा ही देखना पसंद करते हैं। अपने पिता की बातों से गुड्डी को काफी हौसला मिला और उन्होंने अपना यही किरदार जारी रखा। सुनने में आया था कि गुड्डी ने एक्ट्रेस प्रीति गांगुली की जगह ली थी। जी हाँ दोस्तों, गुड्डी से पहले प्रीति गांगुली ही फिल्मों में कॉमेडी एक्ट्रेस के रोल अदा किया करती थी लेकिन प्रीति ने अपना वजन कम कर लिया जिसकी वजह से प्रीति को फिल्मों में काम मिलना कम और सही कहा जाए तो ना के बराबर हो गया और इसलिए प्रीति की जगह गुड्डी मारुति को फिल्मों में काम मिलने लगा और उन्होंने एक के बाद एक फेमस फिल्मों में अपने अभिनय से सबको खूब हंसाया। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। इनकी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम लें तो उनमें है सनम तेरी कसम, शोला और शबनम, आग और शोला, नगीना, हम सब उल्लू हैं, जिंदगी तुमसे, मां कसम, मोहब्बत और जंग, जैसी करनी वैसी भरनी, चमत्कार, खिलाड़ी, बलवान, बीवी नंबर 1, दूल्हे राजा जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। फिल्म दूल्हे राजा और बीवी नंबर 1 में गुड्डी के किरदार को खूब सराहना मिली। बता दें कि इस फिल्म में इनके अलावा रवीना टंडन, गोविंदा, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, जॉनी लीवर जैसे एक से बढ़कर एक सुपरस्टार थे। साथ ही बीवी नंबर 1 में गुड्डी को सलमान खान, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन, अनिल कपूर जैसे फेमस अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। इन सबके बीच भी सबने गुड्डी के किरदार को बेहद पसंद किया और खूब प्यार दिया। मारुति ने फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी काम किया। टीवी पर पहली बार उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित शो इधर उधर में मोटी शबनम के किरदार को निभाया। इसके बाद साल 2007 में वो डिज्नी चैनल पर प्रसारित शो अगड़म बगड़म तिकड़म में रोजी के किरदार में दिखाई दी।
इसके अलावा गुड्डी मिसेज कौशिक की पांच बहुएं, ये उन दिनों की बात है, हेलो जिंदगी और डोली अरमानों की नामक टीवी सीरियल्स में भी अपना हुनर दिखाया, जिसमें डोली अरमानों के शो में इनके किरदार को काफी पसंद किया गया। एक समय वो हर दूसरी फिल्म में सबको अपनी फनी कैरेक्टर से हंसाती हुई नजर आती थी, पर वर्ष 2006 में अपनी शादी के पश्चात उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया से ब्रेक ले लिया और करीब 9 साल के बाद उन्होंने वापसी की और 2015 में आई फिल्म हम सब उल्लू हैं में दिखाई दी। इसके बाद आखिरी बार वो साल 2020 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन में आई संजय मिश्रा की फिल्म कामयाब में उनकी एक झलक देखने को मिली। बात करें इनके परिवार की तो इनके पिता का नाम मारुति राव परब था, जो कि 50 के दशक के एक बेहद फेमस एक्टर और डायरेक्टर हुआ करते थे। मारुति परब को कहीं आर कहीं पार, हम सब उस्ताद हैं और खान दोस्त जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने हम सब उस्ताद हैं, हम सब चोर हैं, बागी शाहजहां और कहीं आर कहीं पार जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। साथ ही गुड्डी की माँ का नाम कमल परब था। इनकी माँ भी फिल्मों में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया करती थी, लेकिन इनकी माता पिता दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इनके पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी गुड्डी के सर पर थी, जिसके चलते इन्होंने अपनी फिल्मी करियर पर ज्यादा जोर दिया। गुड्डी के एक भाई भी थे जिनका नाम मुनव्वर था। सुनने में आया था कि मुनव्वर ने अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन अब मुनव्वर इस दुनिया में नहीं है। ये साल 1997 में ही अपना देह त्याग चुके थे, जिसके चलते इन्हें कम ही लोग जानते हैं। साथ ही गुड्डी की एक बहन भी है जिनका नाम वैजयंती है, जो लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। इनकी बहन की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। वैजयंती का विवाह संगीतकार प्यारे लाल के भाई और मशहूर गिटारिस्ट गौरख शर्मा से हुआ। बता दें कि गौरख शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। बात करें गुड्डी की शादी की तो इन्होंने एक मशहूर बिजनेसमैन अशोक से शादी की, पर शादी के बाद गुड्डी ने 9 सालों तक खुद को अपनी फिल्मी दुनिया से दूर कर लिया था। सुनने में आया था कि गुड्डी को उनके डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो और उनके हस्बैंड अशोक फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और उनके मोटापे को देखते हुए उनका काम करना ठीक भी नहीं था, जिसके चलते उन्होंने अपने करियर से ब्रेक ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी मां नहीं बन सकी, इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी वापसी कर ली। इस समय वो अपने पति के साथ मुंबई में ही रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।